हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको आउटलाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगी, वो भी ड्राइंग ग्रिड की हेल्प से। ड्राइंग ग्रिड जो मेथड आप यूज़ करेंगे उसकी हेल्प से आप एक्यूरेट आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने इसी ड्राइंग ग्रिड की हेल्प से आउटलाइन ड्रॉ की है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ड्राइंग ग्रिड और पिक्सआर्ट प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप ड्राइंग ग्रिड में जाइए। इससे पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए। और अब हम ड्राइंग ग्रिड में जाते हैं और आपको बताते हैं उसके बाद करना क्या है। ये पहले से ही मैं की थी। ड्राइंग ग्रिड में जाने के बाद आप गैलरी में जाएंगे। आपको जो फोटो सेलेक्ट करना है आप उसे चूज कर लेंगे। और फिर उसके बाद आप जितना छोटा कॉलम बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप वहाँ पे ऊपर दिया गया है कॉलम उसके हिसाब से बना सकते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं 15 ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं 8 ले रही हूँ। आपका मन फ्रेंड, आप चाहे जितना ले सकते हैं उसके हिसाब से छोटा बड़ा कॉलम बना सकते हैं। आपका मन चाहे जितना लीजिए। अब इसको स्क्वायर, ये चारों कॉलम एक बराबर हो तो इसको स्क्वायर में करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आप चाहेंगे तो आपको दिखेगा, इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी समझ में आ रहा होगा आपको। और फ्रेंड, आप यहाँ पे जाके जो लाइंस आपको मोटी मोटी दिख रही हैं उसे थिन करने के लिए 4 की जगह आप 1 लिख देंगे तो जो लाइंस है वो पतली हो जाएंगी, तो अच्छे से फेस दिखेगा। आज मुझे बोलने में बहुत ही दिक्कत हो रही है फ्रेंड, क्योंकि इतना गला दर्द कर रहा है और खांसी आ रही है इसकी वजह से। ताकि आप सेव कर लीजिए फोटो को। सेव करने के बाद अब आप पिक्स आर्ट में जाइए। ये है पिक्स आर्ट और इसमें जाके आप, यार ये टच भी काम नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं ऐसे जो फोटो मैंने सेलेक्ट किया था वो वाला फोटो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और इफेक्ट में जाके आप किसी भी ब्लैक एंड वाइट में करके अपना ओके कर लीजिए। फ्रेंड, मैं पिक्स आर्ट में इसलिए आई क्योंकि अगर आप गैलरी में जाके बनाते तो आपकी वीडियो जूम नहीं हो पाती, सॉरी जो फोटो है वो जूम नहीं हो पाता और बार बार छोटा हो जाता। इसमें फ्रेंड, आप चाहे जितनी भी बड़ी फोटो जूम करो उतने पर ही टिकी रहेगी, आप बड़ी छोटी नहीं होगी बार बार। और अब आपको जितनी बड़ी फोटो बनानी है उतना बड़ा कर लीजिए फोटो। फिर उसके बाद आप कितने सेंटीमीटर का कॉलम है सभी लाइन आप मेज़र करके फिर पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए, कॉलम बना लीजिए। फ्रेंड, इस तरह से आप मेजर करके सभी कॉलम्स तैयार कर लीजिए। और मैंने तो 2.5 सेंटीमीटर का लिया है, आपका मन चाहे जितने सेंटीमीटर का लीजिए।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो और फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ घंटी को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो जब भी अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस तरह से फ्रेंड मैंने सारी लाइंस खींच ली, ड्रॉ कर ली, और अब मैं आपको आउटलाइन फेस का जो आउटलाइंस है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। और फ्रेंड अब इस तरह से आप मेज़र कर करके आप फेस को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं, और आप फेस बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। और फ्रेंड आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोग जितने भी फालतू लाइंस होगी आप उसे इरेज से इरेज कर लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।